अरे मम्मी कुछ नहीं, वो जो हमारा ड्राइवर था ना वो गांव चला गया, अब वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम बहुत परेशान हो रहे हैं। दीप, ये है सरजेश। नमस्ते मैडम। सरजेश, ये यहाँ पे क्यों आया? क्यों आएगा क्या मतलब? आज से तुम्हारी गाड़ी ना ये चलाएगा, हमने ना नया ड्राइवर रख लिया है। ओ, ड्राइवर? क्यों, तुम्हें कपड़े देख के पता नहीं चल रहा क्या? पता नहीं किस ख्यालों में खोई रहती हो। अच्छा दीप, ये बताओ मेरी ग्रे वाली फाइल कहाँ है? वो ग्रे फाइल तुम्हारी बेडरूम में कबर्ड में रखी हुई है, तुम जाके ले लो। अच्छा ठीक है, मैं लेके आता हूँ। इन्हें पता है कि तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड रह चुके हो? नहीं, इन्हें कुछ नहीं पता। गुड, पता लगने भी मत देना। लेकिन ये क्या है दीप, तुमने शादी कर ली? हाँ सरजेश, मैंने कर ली शादी। और दीप मेरा क्या, मैं तो तुमसे इतना प्यार करता था और तुमने एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया, मेरा दिल तोड़ दिया, मुझे धोखा दे दिया। वो क्या है सरजेश, तुम्हें अच्छे से पता था कि मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती थी। और ऐसा नहीं है कि मैंने मनाया नहीं उन्हें, मैंने उन्हें बहुत मनाया पर वो नहीं माने और मुझे मजबूरन शिवम से शादी करनी पड़ी। दीप तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना परेशान हो गया था और मैंने तुम्हें कितने कॉल मैसेज किए, लेकिन मेरी एक बार भी बात नहीं हुई और तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन दीप इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, इसमें मेरी और मेरी गरीबी की गलती है। यही देख लो, आज मुझे नौकरी भी वहाँ मिली है जहाँ मेरी एक्स गर्लफ्रेंड रहती है। सरजेश, मेरे माँ बाप से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तुम भी नहीं। और तुम खुद देखो ना, उस टाइम पे मेरे घर वाले शादी के लिए मानते भी कैसे, तुम कुछ करते ही नहीं थे। और कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को किसी ऐसे लड़के के हाथ में क्यों ही देगा जो कुछ काम धंधा करता ही नहीं है, तुम खुद सोचो ना। अरे मैं करता ना, तुम मुझे एक बार बोलते हो सही, मैं तुम्हारे लिए काम क्या अपनी जान भी दे देता। लेकिन तुमने छोड़ने से पहले मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। देखो सरजेश, जो होना था वो हो गया, अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता। और सच्चाई यही है कि शिवम मेरे हस्बैंड है और कुछ भी नहीं, और ना ही अब हमारे बीच में कुछ हो सकता है और ना ही कोई हमारा रिश्ता है। और इस बात को तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अरे क्या बात चल रही है आपस में दोनों की? अरे कुछ नहीं साहब, वो मैम साहब ना मेरा इंटरव्यू ले रही थी। हाँ सब अच्छा है, ड्राइवर भी अच्छा है, अब मुझे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे एक बात बताओ दी, तुम क्या इसको पहले से जानती हो? देखो शिवम, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। सरजेश मेरा एक्स है और शादी से पहले मैं सरजेश से ही प्यार करती थी, और मेरे माँ बाप सरजेश से शादी करने के लिए कभी नहीं मानने वाले थे, तो इसलिए मुझे सरजेश को छोड़ना पड़ा और मजबूरन मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। और मेरे माँ बाप सरजेश से शादी करने के लिए इसलिए नहीं माने क्योंकि ये बेरोजगार था। पर अब ऐसा कुछ नहीं है शिवम, मैं सिर्फ अब तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। अब हम दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है और ना ही कोई रिश्ता है, तो प्लीज़ तुम मुझे गलत मत समझना और ना ही मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचना। दीप ये बात तुम मुझसे छुपा भी तो सकती थी, पर तुमने मुझे बताई क्यों? देखो शिवम, तुम्हें ये सच्चाई आज नहीं तो कल पता चलनी ही थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि ये सच्चाई तुम किसी और के मुँह से सुनो, इसलिए मैंने खुद ही तुम्हें बता दिया। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझ पर शक करो और शक की वजह से हम दोनों का रिश्ता खराब हो जाए। सच कहूँ, मैंने ना तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी और तुम्हारे एक्सप्रेशन देख के ही मुझे पता चल गया था कि तुम ना इसे पहले से जानती हो। अच्छा क्या दीप, जो तुमने ये बात ना मुझे पहले ही बता दी, अगर तुम नहीं बताती ना तो ये बात मुझे कहीं ना कहीं से ना पता चल जाती, और जब ये बात मुझे पता चलती ना तो मेरा भरोसा ना तुम पर से ना टूट जाता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम पर बहुत भरोसा भी करता हूँ, जो तुमने आज किया है ना उसकी वजह से ना मेरा भरोसा तुम पे और ज्यादा बढ़ गया है। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम जैसी बीवी मिली है, और मेरे से बहुत प्यार भी करती है और मेरे पे बहुत भरोसा भी करती है। आई लव यू साहब। हाँ बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जो भी हम दोनों के बीच में था ना वो सब खत्म हो चुका है, अब सिर्फ मैं इनका ड्राइवर हूँ और ये मेरी मालकिन है, तो प्लीज़ मुझे ना नौकरी से मत निकालना, मुझे बड़ी मुश्किल से ये नौकरी मिली है। अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया ना तो मेरे घर में बहुत दिक्कत आ जाएगी, मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा, क्योंकि मुझे ना अपनी बीवी पे खुद से ज़्यादा भरोसा है, वो मुझे धोखा कभी नहीं देगी। तुम कल से नौकरी पे आ जाना। धन्यवाद साहब,